पावर योगा को सोलन के हैप्पी ने पतंजलि से सीखा है और फिर एग्रो योगा की मुद्राओं से निपुणता हासिल की। आपको बता दें कि हैप्पी गांव में योग की विभिन्न मुद्राएं बनाता था जिसे देखकर सभी दंग रह जाते थे। धीरे धीरे हैप्पी की रुचि योग में बढ़ती गई और योग सीखने की लालसा ने उसे पतंजलि पहुंचाया। वहां से बुनियादी मुद्राएं सीखने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वजह है कि छोटी सी उम्र में आज योगा गुरु हैप्पी सोलन में अपना योग स्कूल चला रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोग उनसे योगा भी सीख रहे हैं। के इकलौते पावर योगा और एग्रो योगा के ज्ञाता हैप्पी, जिनकी योग मुद्राओं को देखकर हर व्यक्ति अपने दांतों तले उंगली दबा देता था, उनका मानना है कि भारत विश्व को योग सिखाने वाला देश है, लेकिन आज के आधुनिक दौर में भारतीय योगा से दूर भाग रहे हैं। इसके महत्व से अनजान है, लेकिन विदेशी लोग इसकी उपयोगिता को समझ चुके हैं। यही कारण है कि भारत से योग सीखकर वे योगा को विकसित करते जा रहे हैं और अब वे ये मुद्राएं अन्य शरीर का सहारा लेकर भी बनाने लगे हैं। हैप्पी ने बताया कि वे गांव में रहकर पशुओं को चारते हुए मुद्राएं करते थे, लेकिन उसे इन मुद्राओं की गहराई के बारे में मालूम नहीं था। कुछ ज्ञानी लोगों ने उसे योगा के बारे में अवगत करवाया और फिर उसने पतंजलि से योग का ज्ञान लिया और महारत हासिल की और अब वे ये ज्ञान युवाओं को देना चाहते हैं। विश्व को हमने योग सिखाया, पर आज की डेट में हम लोग उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और वहाँ यूरोपीय कंट्री में हम लोगों से सीख के लोगों ने योगा को डेवलप कर दिया है। तो वो जो उन्होंने डेवलप किया, वो जो मुद्रा हम ज़मीन पर लेट कर लगाते थे या आसन में बंद कर लगाते थे, वो मुद्रा वो किसी के सहारे में किसी दूसरे शरीर की सपोर्ट लेकर के वो मुद्राएं बनाते हैं, जिसको एक्रो योगा कहा जाता है, जो कि अभी यहाँ पर नया नया ट्रेंड शुरू किया जा रहा है हिमाचल में ख़ास तौर पर। मैं जो है पावर योगा और एक्रो योगा जो कि अभी भारत में इस चीज़ का संचालन नहीं है, एक्रो योगा वो विदेशी धरती पर ज़्यादा बहुचर्चित है, इंडिया में इस चीज़ का अभी बढ़ावा उतना नहीं दिया गया इस चीज़ को। तो हमारी कोशिश है कि हम एक्रो योगा को लोगों तक पहुँचाएं और इसके जो बेनिफिट्स है वो लोगों को दें। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था, तो जिस कारण मैं 8वीं कक्षा में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। फिर मैं घर में पूरा समय रहने लगा था। घर में समय हुआ करता था तो मैं जंगलों में पशुओं के पास समय होने के कारण तो मैं योग की मुद्राएं बनाने में अपने आप को व्यस्त रखता था। मुझे शुरू में मालूम नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअल में योग है। फिर मैं बाद में पतंजलि से जुड़ा तो मेरे को पता लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो योग का पार्ट है, जिसको कि आसन कहते हैं। तो फिर उसको मैंने पॉलिश किया वहाँ जाके, और पतंजलि से जो है उसकी प्रशिक्षण लेने के बाद फिर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, जो कि मैं सोलन में पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ।